हाय गाइस, राधे मस्को फिलिक्स हो सर। और इतना अच्छा सा घर हम छोड़ते हुए यार, बहुत बुरा लग रहा है यार। मस्को सीरीज का ये आखिरी वीडियो होगा गाइस। व्हाट टू से गाइस, चलो अरे वाह, वर्ल्ड क्लास गाइस। इस वीडियो में उसी ने, इससे पहले वाले वीडियो में उसी ने हमको बताया था यहाँ का सबसे डीपेस्ट मेट्रो कौन सा है गाइस। तो गाइस आप उसको भी अभी हम जाएंगे, हम चैनल बना देंगे गाइस, एक अच्छा सा वीडियो उस पर डालेंगे। अभी हम जाएंगे जमीन की गहराइयों में। चलो 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 आगे बढ़ो, चलो चलो अपना ताफा आगे बढ़ाओ सब लोग। अब जिप लाइन करते हैं और फिर थोड़ा बहुत यहीं ठंडी रिवर है, बर्फ वाली रिवर है, उसके मज़े लेते हैं कैसा है। ये बहुत अच्छा मेट्रो स्टेशन है, यहाँ का एक्सीलेटर का मैंने वीडियो भी डाला है। इसके बाद आप देख सकते हैं, अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। हमारे सब अप्रतिम ब्लॉगर्स आते हुए, मेन कंटेंट हमारा। सो गाइस, मेट्रो से बाहर आ गए हैं, जिप लाइन के लिए मैप ढूंढ रहे हैं। ये मैप में तो बहुत अच्छा हमारा गाइड है, ये वाला वीडियो में इसके बाद डालता हूँ। Then here, but we have to follow this line because from here, then here, and here to here, then here to here again. Then we have again to here. So then here much. To here again. Then here to here metro. Okay, here where? Everywhere. Excuse me. Here where? Everywhere. अभी लेके चलो, अभी कहाँ जाना है वहाँ? कुछ समझ नहीं आया हमें। सो हम वापस आखिरी दिन एक बार और लास्ट टाइम के लिए एक साथ आते हुए, सेम स्वेटर, सेम ट्यूनिंग करते हुए, सेम हुडी, हुडी बस कलर अलग है, बाकी सब सेम है हमारा। हुडी भी सेम था बट हमने चेंज कर लिया कि लास्ट डे है, कुछ चलते हैं। अब पता नहीं हम दोनों कब साथ, आखिरी दिन में कुछ तो अलग। अब हम दोनों कब साथ में आपको ऐसे व्लॉग करते हुए मिलेंगे, मिलेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे, सोचेंगे कभी तो कहीं तो एक हद ट्रिप निकालेंगे वही आसपास अपने गांव के आसपास। मैं नीचे इनका चैनल भी दे देता हूँ, एकदम नया चैनल है वो, उसको अभी आप जाके सब्सक्राइब करो। एक भी वीडियो नहीं उस पे, शायद एक शॉर्ट होगा, शॉर्ट्स तो वो धीरे धीरे हम बनाएंगे जैसा भी रहेगा। ये चैनल पे 500 सब्सक्राइब कर दो फिर, हाँ इसमें भी हम करेंगे अच्छे से, कंटिन्यू रहेंगे हमेशा कंटेंट आएंगे। और क्या, और इससे पहले के सारे व्लॉग्स हो चुके हैं, तो ये सीरीज में टोटल 6 व्लॉग आएंगे, ये लास्ट है। इसके बाद व्लॉग्स का थोड़ा टाइम बाद आएगा, फिर गांव के आएंगे उधर, हाँ अपने गांव स्मॉलिंस के आएंगे, देखेंगे। पर शॉट्स तो आते रहेंगे जिम के, हाँ हमने बताया ना होगा, लेकिन हम पढ़ते हैं स्मॉलिंस ट्रीटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में। नहीं पता है, पता है yes. नहीं यार गाइस, डॉक्टर्स गाइस, MBBS कर रहे हैं हम, आपको दिखा है, लॉजिंग कर रहे हैं हम, मस्ती है, हमारा MBBS हो रहा है। हाँ स्टेथोस्कोप रखा है बैग में, दिखाएंगे आपको घर जाके। सही है, नहीं रे बताने के लिए यार। हाँ गाइस देखो, आप लोग को बना रहा है ये, कोई बात नहीं ठीक है। अरे वो बैग में यार, कॉलेज के बैग में, ये वाले बैग में नहीं है। यहाँ देख के यकीन नहीं हो रहा तो मेरी शक्ल देख लो, शायद यकीन हो जाए डॉक्टर बन रहे हैं शायद। गाइस ये फालतू में अपना दोस्त करवाने आई है बीच में, कोई बात नहीं, फुटेज लेने आई है, ले एक बार और ले लो। मैं डॉक्टर तो लगती हूँ शक्ल से, बाकी लगे ना लगे। ये होता है क्या बोलते हैं उसको, अपने अपने सेल्फ ऑब्सेशन। ओह माय गॉड, ऑब्सेशन। डॉक्टर राशिका शर्मा, आगे डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस करो यार, सर्जन है आगे यार, हमारे सर्जन आगे जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। एज सर्जन तो अभी बहुत ज्यादा एडवांस है, अभी हमारा इस समय उनको दिखा नहीं सकते हम आपको, क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके हैं। ऐसी बात है, पर कोई बात नहीं, उनसे मिलेंगे। सामने अभी और अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। मजाक की बात अलग, आप भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, टाइम पास मत करो। हम टाइम पास गाइस, मैं अलग हूँ गाइस, मैं पढ़ाई करता हूँ। नहीं नहीं, ये मुझसे ज्यादा टाइम पास करता है। अलग है तुम, मुझसे अलग है। बनाने बोला था एक दूसरे की पोल खोलने, नहीं ब्रो ये तो तुम धोती खोल रहे हो ब्रो। नहीं यार धोती नहीं, बट हम भी पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं बट
हो जाता है काम हमारा कभी कभी, ये थोड़ा इस शौक के लिए ऐसे ही करते हैं। अरे ये नहीं डालेंगे यार, मम्मी देती है। हां यार ये घर वाले भी ठीक है, मम्मी लोग को भी पता है, पढ़ाई कर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेते हैं। मम्मी मैं पढ़ता हूँ, मम्मी टेंशन मत लो, आप आपका बेटा बहुत अच्छे से पढ़ता है। ये चीज तो हमारा पढ़ता है आंटी, आपका बेटा बहुत मुझसे ज्यादा पढ़ता है। ये चीज तो सेकंड डे जी, अभी हमारे पास पढ़ाई का नहीं था, मॉस्को आया घूमने आया। वैसे होता नहीं ये चीज पॉसिबल, मैं कभी कर नहीं पाता, बट भाई मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया, तो हमने पहला व्लॉग तो मस्ती मजाक में डाले थे। सोचा नहीं था कि बनाएंगे, लेकिन जैसे उसमें हमारे दोस्तों के अच्छे अच्छे मतलब हम लोग को कॉल्स भी आए दो कि सही काम कर जो, मतलब सही इन द सेंस मस्ती मजाक मजे ले लेते हैं हमारे, पॉजिटिव ही आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉन्फिडेंस आया। फिर तीसरे दिन और अच्छे से आया, फिर तो हम अच्छा कमेंट किया। गाइस आप लोग ने एक चीज नोटिस की है, हम लोग का पहले तीन पहले चार जो थे वो उसमें एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, हम लोग को समझ नहीं आता कैमरा कैसे रखना ये, पर जो अभी जो रिसेंट इससे पहले वाला और ये जो अपलोड हुआ है ये आपको पूरा व्लॉग टाइप का दिखेगा। आपको इसमें फ़ोन ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा, अगर आप हमारे पूरे वीडियोस देखते हो तो ये आप पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। तो अभी हम लोग इतना तो सीख गए हैं कैसे क्या करना है, बाकी ठीक है धीरे धीरे इंसान तो धीरे सीखता है। चलो ये वाली सीरीज का सबसे अच्छा क्या मोमेंट था तुम्हारा? सब यार शिवम भाई के साथ आने का मौका मिला, यही सबसे अच्छा मोमेंट है यार। इससे अच्छा मोमेंट और क्या हो सकता है? लाइक अभी ठंड की वजह से मेरा जबड़ा थोड़ा टाइट हो गया, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बट शिवम भैया इनके भाई इनके साथ आने का मौका मिला, अच्छा लगा। ये है दोस्त हमारे जो अभी कैमरे सामने ऐसे बोलते हैं। मैं मतलब नॉर्मली इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन शिवम भैया के साथ इतना बोल रहा हूँ मैं। मेरे को जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत शांत शांत रहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। गाइस आप लोग एक चीज़ और नोटिस करो, मेरे पूरे व्लॉग में इनका ही है, स्टार्टिंग इनका ही है, एंडिंग इनका ही है। मेरे घर वाले शौक इतना बोल रहा है, मेरे दोस्त लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि ये तेरा चैनल है या भाई का चैनल है जिसपे अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज में भाई चाह रहे हैं। नहीं बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका है। नहीं नहीं कॉन्फिडेंस इनका है, पहली बार मैं तो नहीं कर पाता, मैं सिर्फ अभी जिम के वीडियोस बना रहा था, बट पता नहीं इस ट्रिप में ऐसा क्या हुआ, सब क्लासमेट्स थे ना, और मतलब क्लासमेट्स इतने अच्छे हैं जो सारे ने सपोर्ट किए, सब धीरे धीरे वीडियोस में आए, किसी सब ने कॉपरेट ने लगाया। स्टार्टिंग में लगा था वो दीदी ने हटा दी, फिर नहीं यार बाकी थी दीदी अच्छी है, थोड़ा डर गई थी दीदी कि यार मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ, पर सब ने अच्छे से एकदम दिए हम लोग को कॉन्फिडेंस ही थी, तुम बनाओ हम भी बीच में आते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, किसी ने ये नहीं बोला नहीं, क्योंकि और भी टेप में दोस्तों के साथ जाओ तो कुछ बोलते हैं यार क्या ये हमेशा फ़ोन में लगा रहता है, ये है वो है। अगर बीच में एक दिन था जिस दिन मेरा मन नहीं था कुछ करने का, तो सामने से दोस्त लोग आके बनाते बोलते हुए, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। हाँ अभी हम लोग जिसमें बैठने वाले हम आपको वो दिखाते हैं, इसमें नहीं बैठने वाले, ये ट्राई करो आज कर सकता नहीं यार, आज आखिरी दिन है, एक बार 32 डे गलती से, तो यहाँ पे अभी हम डांस करने वाले हैं गाइस। यस नहीं यार वो अपन तो गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं जिप लाइन के लिए टिकट्स लेने, क्या होता है इधर स्कीइंग करना, देखो यार सब कुछ हाँ। ये जिप लाइन कर रहे हो कि स्कीइंग करना है? स्कीइंग का मजा आती है, अरे ट्राई कर सकते हैं, ये दीदी को कुछ नहीं आता है, ये दीदी हमारी कंटेंट क्रिएटर है, ये अभी आनी रही है हमारे व्लॉग में। दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? दीदी दीदी आप फोकस हो, दीदी 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 शर्मा गई, ऐसा है। चलिए हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। यस गाइस हेलो हेलो, ये यहाँ हम टिकट निकालते हुए, बाकी देखते हैं आगे हम लोग का क्या होता है। जिप लाइन के सारे वीडियोज़ हम अभी डालेंगे अगर हम करते हैं तो, अभी हम प्राइस चेक कर रहे हैं इधर साइड। गाइस हेलो, ये दीदी हाँ गाइस करेंगे, देखते अभी प्राइस देखना पड़ेगा ना पहले।
दीदी का फेवरेट, दीदी का फेवरेट डायलॉग सुनते हैं। How is the judge? Guys, how is the judge? कमेंट करके बताओ। ये दीदी आखिरी बार बोल रही है इस सीरीज में, तो एक बार और सुन लो। Stay tuned, I will be there. दीदी बोल रही थी वो अपने धीरे धीरे क्लिप्स भेजेंगी, छोटे छोटे क्लिप्स भेजेंगी। अलग ग्रुप में होगी ना तो भी मैं ब्लॉग भेजूंगी, भैया को भेज दूंगी, डोंट वरी गाइस। उसको इंग्लिश आती है गाइस, इंग्लिश में बोलो। सो गाइस, हम लोग स्कीइंग तो नहीं कर पाए, पर क्या बोलते जिप लाइन के लिए देखा जाए, स्कीइंग पर पर्सन 12,500 था, तो और वो भी एक घंटे के लिए, तो उतना वर्थ नहीं लगा हम लोग को। स्मॉलेंस में 200-250 रुपए में होता है, रूबल 200-250 रूबल में होता है स्कीइंग, तो हम लोग वहाँ कर लेंगे। और स्नो तो यहाँ पे हमेशा रहती है। अभी हम लोग जिप लाइन का देख रहे हैं, जिप लाइन का क्या होता है, होता है यानी जिप लाइन की मशीन बंद है, मतलब टिकट, तो गाइस मतलब अच्छा टिकट मशीन बंद है, हाँ टिकट मशीन बंद है। अभी हम लोग अंदर से देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, वो हम आपको अपडेट करते हैं अभी। मैं बोल रहा था यार इनको कि सस्ता है, चलो भरोसा ही नहीं करते, बोलते हैं कि देखते हैं अगर अगर अच्छा बजट में रेट हुआ तो बैठते नहीं, चलो ऐसे हो। कितना है रेट? मैं बोल रहा था इनको 350 रुपये है शायद एक पूरा राउंड का, एक राउंड का 350, एक आधा राउंड का 180 है और एक फुल राउंड का 300। सो गाइस फाइनली हम लोग ने टिकट्स ले चुके हैं, ये आप देख सकते हो खुशी इनके चेहरों में टिकट्स के साथ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं जिप लाइन पे, अब थोड़ी देर में देखते हैं कैसा क्या है, कैसा लगने वाला है। थोड़ी सा डर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, बहुत सारा। और आपको जी? एक्साइटमेंट ही ज्यादा, देखते हैं अभी। अपना फेवरेट डायलॉग बोल दो एक बार, इनका फेवरेट डायलॉग सुन लो। गाइस कमेंट करके, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, कमेंट करके बताना, जरूर बताना। अभी हम जिप लाइन का पूरा वीडियो डालेंगे कैसा रहता है टोटल। टाइमिंग क्या बताएं जिप लाइन का, कितने देर के लिए? 10 मिनट, 8 से 10 मिनट जाके वापस इसी स्टॉप स्पॉट पे वापस, एक टाइम जाने का 10 मिनट, आने का 10 मिनट, तो ओके 20 मिनट में तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा। आप देखिए हमारे साथ दोनों मीम मटेरियल है, सब अच्छा होगा। चलिए गाइस तो मिलते हैं आपको हम जिप लाइन के अंदर। सो गाइस अंदर जाते हुए
गाइस हम लोग का एक राउंड हो गया है, अब हम लोग वापस से स्कैन करने जा रहे हैं टिकट, उसके बाद हमें दूसरा राउंड मिलेगा वापस जाने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। मज़े तो आ रहे हैं बहुत, इससे पहले आपने देखे होंगे वो वाली क्लिप्स और अभी वापसी वाली क्लिप्स भी मैं डाल दूँगा, बहुत सच्ची है, मज़ेदार है। चलिए गाइस हम स्कैन करके मिलते हैं बाद में। ये दुनिया ये महफिल अंदर की एक सेल्फी लो, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, एक सेल्फी ले लो। तो हम लोग जिप लाइन के अंदर है, बहुत से अच्छी व्यू है यहाँ से, बहुत मजा आ रहा है देखने में, आप सब देख सकते हैं। मैडम फोटो लेने में बहुत ज्यादा बिजी है, व्लॉग में नहीं आना चाहती हैं। ऐसा है, एक मैडम इधर साइड है, एक मैडम वहाँ वेट है, उनको डर लगता है इसलिए वो आ रही है। और एक सर जो यहाँ बैठे हैं इनके उनके हवा टाइट है फुल, और ये गर्म है भैया कुछ बोल नहीं पा रहे। एक बार आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है सर? अरे बहुत मजा आ रहा है, एक डर का माहौल है उनके लिए। अभी गाइस हम लोग सेल्फी ले रहे हैं सब लोग यहाँ पे। तो गाइस हम लोग का जिपलाइन हो गया है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सच्ची रहा, मज़ा आया। अभी हम लोग ऐसे घूमने जा रहे हैं सीधे सीधे, क्या है कुछ मिलता है नहीं मिलता है। एक व्यू बहुत अच्छा लग रहा है वो मैं आपको अपने साथ ही दिखा देता हूँ, मैं टर्न हो जाता हूँ, नहीं तो बार बार क्लिप एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है। सामने दिख रहा है ये स्टेडियम है, मॉस्को का बड़ा स्टेडियम, और अभी हम वहाँ जिपलाइन में बैठ के आए हैं। वो स्टेडियम में गए, वो स्टेडियम है बहुत बड़ा, यहाँ से फुटबॉल का स्टेडियम है, यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था ये स्टेडियम है, इसमें मैं आया था एज ए चीफ गेस्ट। उसके बाद मेरे साथ मेरे और दोस्त थे जो ऐड हुए थे, अभी वो आएंगे मेरे साथ इस वाले। ये था शिवम था गाइस, मैंने स्पॉन्सर करवाया था लूटले मेंस की तरफ से। अभी हम वहाँ जिप लाइन में बैठे थे, अभी हम उससे आए, वो जिप लाइन आप देख सकते हो, कैमरा मैन जिप लाइन दिखा दो, वो है वो देखो रशियन वेडिंग का शूट है, शायद आगे आपको व्लॉग देखने मिल जाए इस चीज का, भारत में घूम सकते हैं। अरे भारत ऐसे कैसे जा रहे हैं पैदल, या आप चाहते हैं हम उसके पास जाके उससे बात करें? नहीं यार, पर जब तक कि मैं डालूंगा जब तक वो चली जाएगी। सॉरी गाइस, हाय लो पाजी, ओला साइड का दिखाओ व्यू। अरे आपके पीछे का व्यू भी अच्छा है यार, अरे यार ग्रेनेड पीछे देखो, ग्रेनेड स्टेशन है कहीं ना, खाते हैं अभी कुछ तो, और भाजी खत्म करते क्या प्रियंका? खा लेते यार, भूख लगी है। दीदी को भूख लग गई, दीदी नए पार्टनर मिल गए गौरव भैया के, जिनको भूख लगी है। नहीं खाने का है, खाने का है गाइस, इस साइड चलो गाइस। ये आप देख सकते हैं मॉस्को यूनिवर्सिटी है यहाँ की, और इसके जस्ट अपोजिट मॉस्को रिवर है। गाइस नज़ारा तो आया नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी ये मैडम आई है दूसरी। We'll be right back.
या शिवम, क्रूज में से भी आपने को यही सीन दिखता है ना? यस यस यस, अंधेरे में और खूबसूरत दिखता है ये, अभी इसमें शायद दिख नहीं रहा क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है, बट ये पेड़ों में लाइट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं यार। कड़क, ये सामने इस साइड बिजनेस सेंटर है और ये बड़ा स्टेडियम जहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, जो हमने ऊपर से दिखाया था आपको, स्पॉन्सर्ड वाला, या स्पॉन्सर्ड बाय लूटलेमेंस वेयर। यप, वाओ, अभी एग्जैक्टली अपन ब्रिज के ऊपर देखो, सारा स्नो टूट चुका है, बह रहा है पानी, लग नहीं रहा कि विंटर है, वैसे भी विंटर खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, जब आए थे तब तो ज्यादा ठंड था। गाइस हमारा लास्ट डे है गाइस, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रही है, हां सब सैड सैड लग रहे हैं, दुख में है सब। चलो गाइस अगर यहां पे नहीं है तो फिर इतना निकल लेंगे क्योंकि आगे दुकान है अपना। चलो तो फिर चलते हैं अपन सेंटर वापस, बस यहीं से वापस मेट्रो स्टेशन पकड़ लेंगे और घर। सेंटर यार, घर तो हम लोग पहली बार मिल गए हैं गाइस, पहली बार हम लोग साथ आए, तो बस इससे पहले हम जानते थे दूसरे, मतलब पहली बार इस बार मिले हैं इसलिए हम लोग, और वाइब्स काफी मैच हो गए। ये आखिर के कुछ पल मॉस्को में कैसा लग रहा है शिवम भाई? बस मजे है भाई, चल रहा है बस अच्छे से, है थोड़ी देर में अभी हम लोग सोचे इंडियन होटल में खाना खा के निकलेंगे, आखिरी बार इस बार और इंडियन होटल में खाना खा लेते हैं, फिर तो आज 4-5 महीने बाद ही आना होगा ये भी, वैसे भी कर लेते हैं इस बार। बस आप सबसे पूछ लो ऐसा क्या, आप घुमाओ सबको। आपकी आवाज़ से समझ आ रहा है आप कितने उदास हो, और गौरव भाई आपको कैसा लग रहा है? भूख लग रही है भाई। बस एक ही टॉपिक, आविष्कार भैया, ओ आविष्कार भैया, हाँ भैया जी, आखिर के कुछ बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन क्या करें, किस्मत जो लिखी है वो तो करना ही पड़ेगा। क्या किस्मत, अबे पढ़ाई करने आए हो, पढ़ो जाके घर, IAS बनो, IAS छोड़ो डॉक्टर बनो या रेड डिग्री लो। नहीं नहीं, रेड डिग्री तो पॉसिबल नहीं है हमसे, हम मान पास होते हैं बस, वही बस है शिवम, हम मन पास होते हैं। गाइस हम आपको यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स का प्राइस दिखाते हैं, पता नहीं गाइस आप लोग को दिखा है कि नहीं दिखा है, 800 रुपए किलो है किशमिश, 800 रुपए किलो, और क्या क्या है, और काजू है, काजू है ना, काजू सिंगदाना 500 रुपए के जी, 500 रुपए के जी, नहीं लेते हैं नमकीन वाला है नहीं। ये मे बी इन्हें बोले कोई इंडियन शॉप है ये, हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम बाद इंडियन शॉप पे आए हैं, यहाँ पे बहुत कम है, बाकी हम आपको, ये दीदी कुछ बोलना चाह रही है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, देखो यहाँ पे सब इंडियन चीज़ें मिल रही है, हल्दी है, मसाला है, जीरी मोरी, ये देखो मेस वक्की कोलगेट भी है, छोटी बड़ी, हेलो भैया कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मस्त एकदम, इंडिया से? हाँ इंडिया से हैं, बहुत दूर से आए हैं, स्मॉल लेंस में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सुना है आपके होटल के बारे में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ ये हमारा करी रेस्टोरेंट है, हमारी पांच ब्रांचेज है यहाँ पे, सो ये अरबाज की थोड़ा ज़्यादा बड़ी है हमारी स्पेसिफिक है, तो ये आपको देखने को इंडियन लुक मिल जाएगी आपको पूरी। हाँ हम लोग ने देखे यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, और रशियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब इंडियन फूड के अच्छे हैं, खासे करते हैं, खाते हैं वो लोग भी इतना स्पाइसी जैसा आप अपन खाते हैं, इंडियन का में रशियन ज़्यादा आते हैं इंडियन फूड के लिए, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ सर चलिए, बहुत अच्छा है ये सब चीज़ करके देखिए। हाँ बस हम लोग ने ऑर्डर दिया है अभी, ओके अब इसके बाद हम लोग खाते हैं, फिर हम आपको इसका ओपिनियन बताते हैं कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, थैंक यू। Thank you.
वेलकम बैक गाइस, अपन आखिरी बार क्रेमलिन में आते हुए शिवम भैया आखिरी बार हम बोलते हुए। और गाइस कैसे हो आप लोग? अब नहीं बोलेंगे मॉस्को से। नमस्ते मेरे दोस्त। नमस्ते। अरे यार ये, अरे अरे वंस मोर नमस्ते मेरे दोस्त। नमस्ते नमस्ते मेरे दोस्त। अब आज हम आपको बताएंगे राशिया में पांच अच्छी अच्छी चीजें। तेरा में हे गाइस, हम लोग ने डिसाइड किया है अगर आप लोग को ये व्लॉग ठीक लग रहे हैं या होप आ रहा है अच्छा हम लोग से, तो हम लोग ने ये सोचा है कि स्मॉलिंग्स में हफ्ते में एक दिन सैटरडे हो गया या संडे हो गया फ्राइडे हो गया कोई सा भी एक दिन हम लोग साथ में रहेंगे। हम लोग को जो पला जाए डिफरेंट स्टडी ग्रुप से हम लोग के बाद हम लोग टाइम निकाल के कोशिश करेंगे पूरा कोई एक पर्टिकुलर जगह लेंगे और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और उसका पूरा वीडियो बना के हम लोग ऐसे ही अपलोड किया करेंगे। अगर देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो, वरना नहीं जितना हो सके तो ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं देखते हैं, बस व्यूज आने चाहिए वीडियो। अरे व्यूज आएंगे, आ रहे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे फिफ्थ वाले पे अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब ठीक है फर्स्ट वाला भी अच्छा चल रहा है, ऐसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो कर सकते हैं, कर लेंगे। ये मैंने ये मॉस्को ट्रिप में सिर्फ मेरे चैनल में आई गेस 30+ सब्सक्राइबर्स आए हैं ये 5-6 दिन के 6 व्लॉग्स में। तो ऐसे ही अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो अगले 10-20 दिन में ठीक ठाक हो जाएंगे। और फिर अगर सब अच्छा रहा तो हफ्ते में एक नहीं तो 2 व्लॉग कम कर डाल सकते। बाकी जिम के तो मेरे रील्स शॉर्ट्स आते रहेंगे, बट ऐसे व्लॉग्स हम दोनों साथ में कर सकते हैं ये चीज़। और अभी हमारे पास पूरा 1.5 साल है, अभी हमारे पास 6th ईयर भी है तो सब अच्छा चला। बहुत दिन है, हफ्ते में एकाध रील तो एकाध वीडियो तो आ ही जाएगा और अच्छा रहा सब तो हम कर सकते हैं। देखते हैं कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग ट्राई करेंगे, बाकी हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो वो भी ठीक है। नहीं यार अपने को करना है तो करेंगे, मन किया तो। अभी देखो यार निकल्स का सीट पे आए आखिरी बार मॉस्को में, यहाँ की बहुत अच्छी लाइटनिंग एरिया है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने में। अभी हम लोग वापस से आइसक्रीम खाने थे, हम लोग सिर्फ गम वाला है तो चलो। तो ये है ऋषिकेश भैया का फोन, उसमें व्लॉग बना रहे हैं हम लोग। थैंक यू ऋषिकेश भैया आपके फोन के लिए, आपके फोन की वजह से पॉसिबल हुआ व्लॉग बनाना। ऋषिकेश भैया को क्रेडिट देते हुए देते हैं जी, क्या होता है हम लोग जा तो रहे थे हम लोग घर, बट आइसक्रीम आती हम लोग को बहुत पसंद आई तो हम लोग ने सोचा कि एक लास्ट टाइम आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम सब लोग आ गए आज लास्ट टाइम आइसक्रीम खाने, बाकी देखते हैं चलो। आप मिस करोगे शिवम भैया मॉस्को? मॉस्को कौन मिस नहीं। अरे वो सब रहने दो शिवम भैया, आपको मेरी कंपनी कैसे लगी वो बताओ। बहुत मज़ा आया, आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना मैं तो अपनी वॉइस से तो मैं तो नहीं कर पाता। चैनल मेरा पिछले 2-2.5 साल से है, सिर्फ कभी कभार शॉर्ट्स डालना ये करना, पर व्लॉग नहीं मिलते तो शायद नहीं बनाता मैं ऐसी स्टोरी। मेरा भी ऐसा कोई डिसाइड नहीं था, बट मेरे को ऐसा लाइक थोड़ा कुछ तो चाहिए था नया, दोनों एक ही मेंटेलिटी वाले मिल गए तो हमने बना लिया। बाकी अभी हम लोग का मूड बहुत ऑफ है क्योंकि जाना है वापस, घर जाना है। मूड ऑफ नहीं कह सकते लेकिन बट बुरा लग रहा है यार, बुरा लग रहा है, छोड़ के जाना पड़ेगा मॉस्को यार। ये 4-5 दिन हम लोग के बहुत अच्छे थे, क्या मजे के यार। ये ट्रिप हमारा बहुत सच्ची रहा, सब चीज कर लिया इसमें, जो चीज सोचे नहीं भी थे वो भी कर लिया, व्लॉग तो किसी ने नहीं सोचा था होगा। हम लोग मस्ती मजाक में एक दिन बोले और सब ने कर लिया। पहले दिन ऐसे मस्ती मजाक में बर्गर किंग में बैठे कर लिए। मैंने व्लॉग पहला व्लॉग अपलोड किया तो किसी को भरोसा भी नहीं हुआ कि इन लोग सही में बना रहे थे, इन सबको मस्ती लग रहा था, बट जैसे अपलोड हुआ सब सीरियस हो गए, फिर सब सबके सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलने लगे, कंटेंट देने लगे। अच्छा था, मज़ा आया। बाकी अभी आइसक्रीम खाते हुए बताते हैं आपको, चलो तब तक आप भी गम वाला आपने ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग। इस मॉल में अपन कुछ ले नहीं सकते यार, मतलब पूरे ट्रिप में मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा समझ लो यार, सीख रहा हूँ मैं भी हिंदी धीरे धीरे शिवम भैया के साथ रह के, मैं प्योर हिंदी तो नहीं हूँ।
तो गम से बाहर निकल चुके हैं शिवम भैया। गाइस हम लोग तो यहाँ सस्ते मोबाइल में व्लॉग कर रहे हैं, हमारे पीछे तो कैमरे में व्लॉग हो रहे हैं गाइस, कम से कम 3-4 लाख का कैमरा ही है, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए। कैमरे का रेट देख के हिल गए हम, कैमरे का रेट ही देख के हिल गए। हमने उनसे बात किया, कैमरा है ना तो लेंस ही 1-1.5 लाख का। हमने उनसे बात किया कि पूरी टेट आपकी कितने की आई है, तो बोलते 4.5 लाख की। फिर हमने उनको बताया ये हमारा सस्ता कैमरा, हम इससे व्लॉग करते हैं। वो बोले ठीक है हम फॉलो करेंगे, आप भी कर लो यार, रशियन लोग फॉलो करो। वो बोले हम फॉलो करेंगे, आप लोग कंटिन्यू रहे। भैया क्यों डरते हो यार इतना, हो जाते कभी कभी ऊपर नीचे यार। शिवम भाई आपको डर लगता है इससे? जब ऐसे डरो यार, थोड़ा बहुत डरो। ओए मां, अरे अहिंसा, नो नो मारा मारी प्लीज। चलो भाई अभी आगे निकल जा रहे हैं, आगे नहीं जाना है। अभी क्या करते हैं? Not your baby.